हेलो फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ 1963 का कैलेंडर और इसमें कितने फेस्टिवल्स हैं, कौन से तारीख को कितने तारीख को क्या है डिटेल, इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जैसे कि ये कैलेंडर जो है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहेगा और उसके अलावा यहाँ पे जो है उर्दू तारीख के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से और इंग्लिश तारीख के हिसाब से कौन से फेस्टिवल या कौन से दिन रहेंगे, कौन से तारीख को, उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला जो है जनवरी, जनवरी के अंदर जो 1 जनवरी को जो न्यू ईयर है, 2 तारीख को जो है ये सब दिन थे, 3 तारीख को, 3 जनवरी को ये दिन था, उसके बाद में 6 जनवरी को, फिर उसके बाद में 7 जनवरी को, फिर 9 जनवरी को, 10 जनवरी को शब बारात, फिर 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद, 13 जनवरी को जो है वो लॉरी, 14 तारीख को मकर संक्रांति, 17 जनवरी को जो है कालाष्टमी, 21 जनवरी को जो है वो तिलक एकादशी, 23 जनवरी को जो है वो प्रदोष विराट, 25 तारीख को जो अमावस और 26 तारीख को जो है रमज़ान का महीना स्टार्ट हुआ था, पहली तारीख थी रमज़ान महीने की। उसके अलावा रिपब्लिक डे था 26 जनवरी को, 28 तारीख को जो है वो चतुर्थी विराट और सोमवार विराट, उसके बाद में 29 जनवरी को बसंत पंचमी, 30 जनवरी को षष्ठी और गांधी समीर, 1963 जो है वो फरवरी के अंदर, फरवरी 1963, 1 फरवरी को जो है वो दुर्गा अष्टमी, 2 फरवरी को जो है वो ये दिन था, 3 फरवरी को, फिर 4 फरवरी को जया एकादशी, 5 फरवरी को, फिर उसके बाद में ये 6 फरवरी को, 8 फरवरी, फिर ये 12 फरवरी, 14 फरवरी को, उसके बाद में जो है वो 16 तारीख को, उसके बाद में 18 फरवरी, 19 फरवरी को शिवाजी जयंती, 21 फरवरी को प्रदोष विराट, 22 को जो है रमज़ान महीने की मतलब आखिरी जुम्मा थे, अलविदा जुम्मा, उसके अलावा जो है महाशिवरात्रि थी, और 24 तारीख को अमावस, 25 फरवरी को जो है वो रमज़ान ईद थी, उसके अलावा जो है ये सब दिन भी था, उसके अलावा 27 फरवरी को जो है चतुर्थी विराट, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, फिर नेक्स्ट जो है मार्च, मार्च में 1 मार्च को षष्ठी, 3 मार्च को जो है वो होली शक, 6 फरवरी को जो है सॉरी 6 मार्च को जो है गोविंदा, फिर 7 तारीख को जो है वो उसके बाद में 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वुमेन डे, 9 मार्च को जो है वो ये दिन था होलिका दहन, फिर 10 तारीख को जो है वो होली थी, और उसके बाद में 11 तारीख को जो है वो, और उसके बाद में 13 तारीख को छत्रपति शिवाजी टीटी बेस ऑन जयंती, 14 मार्च को जो है मीना षष्ठी, उसके बाद में 15 तारीख को रंग पंचमी, 17 तारीख को, उसके बाद में 18 तारीख को, फिर ये 20 तारीख के लिए, फिर ये 21 तारीख के लिए, और 22 मार्च, फिर ये 23 मार्च में ये सब दिन थे, 25 मार्च को, फिर उसके बाद में 26 तारीख को गुड़ी पड़वा, इसके अलावा और भी थे, 27 को जो है ये दिन था, उसके बाद में 28 मार्च को जो है वो ये भी दिन थे, 30 मार्च को जो है यमुना चाट और ये रोहिणी घाट। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो अप्रैल मंथ के बारे में। अप्रैल मंथ फर्स्ट जो रहता है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, इसके अलावा जो है दुर्गा अष्टमी था, 2 अप्रैल को जो है वो स्वामी स्वामानंद जयंती, उसके अलावा रामनवमी, 4 अप्रैल को जो है वो एकादशी, 5 अप्रैल को जो है वो उसके बाद में 6 तारीख को जो है ये दिन था, उसके बाद में 7 तारीख को प्राम संडे वर्ल्ड हेल्थ डे, 8 अप्रैल को जो है वो उसके अलावा ये दिन था, 11 अप्रैल को जो, उसके बाद में 12 तारीख को, फिर 14 तारीख को अंबेडकर बर्थडे, उसके बाद में ईस्टर डे भी था, 15 अप्रैल को बंगाली न्यू ईयर, 17 तारीख को जो है वो बुद्ध अष्टमी, 20 तारीख को जो है वल्लभ जयंती, उसके बाद में 21 तारीख को प्रदोष विराट, 22 तारीख को मासिक शिवरात्रि, 23 तारीख को जो है अमावस, 24 तारीख को चंद्र दर्शन, 24 तारीख को अक्षय तृतीया, 27 तारीख को जो है वो उसके बाद में 28 अप्रैल को और ये 29 अप्रैल को। नेक्स्ट हम बात करेंगे मई के बारे में। मई के अंदर 1 मई को जो है महाराष्ट्र डे, उसके बाद में जो है 2 मई को जो है सीता नवमी, और 4 तारीख को बकरीद थी और मोहिनी एकादशी,
7 तारीख को जो है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, बाद में 8 मई को जो है ये दिन डे, 9 मई को उसके बाद में ये, 12 मई को मदर डे, 15 मई को जो है विशाखा दिवस, 16 तारीख को जो है वो कालाष्टमी, 19 तारीख के लिए है, फिर ये 20 तारीख को थे, उसके बाद में ये 21 तारीख को, ये 23 तारीख के लिए, फिर ये 24 तारीख के लिए, 25 तारीख के लिए मुहर्रम महीना स्टार्ट हुआ था, 25 तारीख को सैटरडे का दिन था, फिर ये 26 तारीख को, फिर ये 27 तारीख को, फिर ये 28 तारीख को षष्ठी, 30 तारीख को और ये 31 तारीख को। नेक्स्ट हम बात करने वाले जून के बारे में, तो 1 जून को जो है वो गंगा दशहरा, उसके बाद में 2 तारीख को, फिर 3 तारीख को मुहर्रम महीने की 10 तारीख थी, और उसके बाद में 4 तारीख को जो है ये दिन था, उसके बाद में 5 तारीख को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, फिर ये 6 जून को, 6 जून के लिए जो है ये दिन था, 7 जून के लिए ये सब दिन थे वहाँ पे, और 10 तारीख को जो है षष्ठी चतुर्थी, 14 तारीख को जो है कालाष्टमी, 15 तारीख को जो है मिथुन संक्रांति, 16 तारीख को जो है फादर डे, 17 तारीख को योगी एकादशी, 18 तारीख को वैश्व योगी एकादशी, 19 तारीख को ये दिन था, उसके बाद में 20 तारीख को रोहिणी विराट, 21 तारीख को अमावस, 22 तारीख को चंद्रा दर्शन, 23 तारीख को मुहर्रम महीना ऐड हो गया था, मुहर्रम महीना ख़त्म हो गया था, उसके बाद में 24 तारीख को जो है वो चतुर्थी विराट, 26 तारीख को जो है कुमार षष्ठी, 27 तारीख को षष्ठी, 29 तारीख को दुर्गा अष्टमी विराट, उसके बाद में ये जुलाई, 2 जुलाई को जो है शायनी एकादशी, 3 तारीख को जो है सेंट थॉमस डे, 4 तारीख को जो है पार्वती विराट प्रदूषण विराट, 6 तारीख को गौरी पूर्णिमा, 7 तारीख को कन्वर यात्रा, 8 तारीख को जया पार्वती विराट जैन, उसके बाद में 9 तारीख को जो है वो एंड हुआ था, फिर 10 तारीख को षष्ठी चतुर्थी, 11 तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 13 तारीख को जो है वो कालाष्टमी, 16 तारीख को षष्ठी, 17 तारीख को रोहिणी विराट, 18 तारीख को प्रदोष विराट, 19 तारीख को मासिक शिवरात्रि, 20 तारीख को जो है वो अमावस, 21 तारीख को जो है वर्षा ऋतु, और उसके बाद में जो है 22 तारीख को जो है तरणचंद्र दर्शन, 23 तारीख के लिए ये दिन था, 24 तारीख के लिए 25 तारीख को नागपंचमी, 26 तारीख को षष्ठी, 27 तारीख को तुलसीदास जयंती, 28 तारीख को दुर्गाष्टमी विराट, उसके बाद में अगस्त की बात करते हैं, 1 अगस्त को जो है वो एकादशी, फिर 2 तारीख को जो है प्रदूषण विराट, 3 अगस्त को जो है ईद मिलाद, और 4 तारीख को जो है फ्रेंडशिप डे, 5 तारीख को जो है रक्षाबंधन, 6 तारीख को जो है वो हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को जो है ये दिन था, उसके बाद में 9 अगस्त को रक्षा पंचमी, 10 अगस्त को हाल षष्ठी, 12 अगस्त को कालाष्टमी, 13 अगस्त को गोगा नवमी, 14 अगस्त को रोहिणी विराट, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, 16 तारीख को प्रदोष विराट, 17 तारीख को मासिक शिवरात्रि, 19 अगस्त के लिए जो है वर्ल्ड फोटोग्राफर डे, 20 अगस्त को चंद्रा दर्शन, 21 अगस्त को 23 तारीख को जो है वो गणेश चतुर्थी, 24 अगस्त को लो ऋषि पंचमी, 25 अगस्त को षष्ठी, उसके बाद में 27 अगस्त के लिए जो है दुर्गाष्टमी विराट, 29 अगस्त को रामदेव जयंती, 30 अगस्त को प्रवास एकादशी, 31 अगस्त को वैष्णव एकादशी, फिर ये सितंबर हो गया, 1 सितंबर को जो है प्रदोष विराट, 2 सितंबर को आनंद चतुर्थी, 3 सितंबर को जो है पूर्णिमा, उसके बाद में 4 तारीख को जो है वो, और उसके अंदर 5 तारीख को जो टीचर डे, 6 सितंबर को षष्ठी चतुर्थी, 8 तारीख को जो है उसके बाद में फिर 10 तारीख के लिए है, फिर ये 11 तारीख के लिए, फिर ये 13 तारीख हो गया, फिर ये 14 तारीख को हिंदी डे, 15 सितंबर को प्रदोष विराट, 16 तारीख को 16 सितंबर को मासिक शिवरात्रि, 17 तारीख को जो है वो ये सब दिन थे, इसके अलावा जो 18 तारीख के लिए जो ये दिन नवरात्रि का दिन, मतलब नवरात्रि का पहला दिन जो स्टार्ट हुआ था 18 सितंबर से,
फिर ये 19 तारीख सितंबर, 19 सितंबर, फिर इसके बाद में 21 सितंबर, फिर ये 22 सितंबर, ये 23 सितंबर हो गया, फिर ये 24 सितंबर, 25 सितंबर हो गया, फिर ये 26 सितंबर को ये सब दिन थे आपके स्किन के ऊपर से मेंशन किया हुआ डेट है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करते बैठूँगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, आधे घंटे की हो जाएगी, तो बोर हो जाएगा। तो जो भी आपको डेट जानने लगे, कौन सा फेस्टिवल जानना रहेगा, उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना डिटेल में लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है अक्टूबर के महीने में जितने फेस्टिवल्स है उनसे कौन से तारीख को कौन से था, वहाँ पर दिन डे भी लिखा हुआ है, दिन भी लिखा हुआ है। फिर भी आपको कुछ डाउट है, सवाल पूछना रहेगा तो मुझसे आप पूछ सकते हैं इस कमेंट, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जो भी कुछ डाउट रहेगा मुझसे कमेंट कीजिए, मैं उसका क्वेश्चन का जो आपका रिप्लाई जो रहेगा मैं दे दूंगा, अगर मुझे आता रहेगा तो। ये हमारा पूरा जो अक्टूबर के महीने में कौन से दिन को कौन से क्या थे उसके बारे में। नेक्स्ट जो है नवंबर के बारे में, नवंबर का महीना स्टार्ट होता है तो 1 नवंबर के लिए ये, फिर ये 4 नवंबर के लिए, ये 8 नवंबर में है, फिर 11 तारीख को है, फिर ये 13 नवंबर के लिए है, फिर ये 14 नवंबर, फिर ये 16 नवंबर का अमावस, 17 नवंबर के लिए, फिर ये 18 नवंबर के लिए भाई दूज, 20 नवंबर के लिए नाग पंचमी, 22 नवंबर के लिए छठ पूजा, 24 नवंबर के लिए दुर्गा अष्टमी विराट। अट्ठाईस तारीख के लिए जो है प्रदोष विराट, उसके बाद में 29 तारीख के लिए विश्व विराट, उसके बाद में ये 30 नवंबर के लिए, इतने सब दिन थे यहाँ पे, और नेशनल फ्लैग डे और ये सब भी दिन था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करने वाले दिसंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में कौन से तारीख को कौन से फेस्टिवल थे। चार नवंबर को नेवी डे, 7 नवंबर को जो है कालाष्टमी, 11 तारीख को जो है वो एकादशी, 13 तारीख को प्रदोष विराट, 14 तारीख को मासिक शिवरात्रि, 15 तारीख को जो है अमावस, 16 तारीख को जो है धनु संक्रांति, 17 तारीख को चंद्र दर्शन, 20 तारीख को चतुर्थी विराट, 21 तारीख को विवाह पंचमी, 22 तारीख को षष्ठी, 23 तारीख को गुरु गोविंद जयंती, 24 तारीख को क्रिसमस एवं दुर्गाष्टमी, 25 दिसंबर को जो है क्रिसमस, उसके अलावा जयंती थी, 24 तारीख को जो है एकादशी का दिन था, उसके बाद में 27 दिसंबर को ये भी एकादशी का, और 28 के लिए भी एक दिन था, 29 के लिए जो है वो, और 30 दिसंबर के लिए भी दिन था, 31 को जो है वो शब बारात की रात थी। इसके अलावा आपको कोई डाउट रहेगा, कुछ सवाल रहेगा तो मुझसे कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके अलावा 1960 से लेकर 2050 तक जितने भी कैलेंडर्स रहेंगे वो डेली अपडेट, डेली मेरे चैनल के ऊपर जो रहेंगे इसकी वीडियोस जो रहेंगे वो अपलोड होते रहेंगे, तो आपको अगर कोई देखना रहेगा तो मुझे देख सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं कौन से साल का आपको कैलेंडर देखना रहेगा, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।